जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। आखिर कैसा व्यतीत होगा अक्टूबर का महीना मेरे प्यारे जातक जातिका कन्या राशि के, क्या रखना होगा आपको ध्यान। बड़ा सुंदर स्वभाव, बड़ा अच्छा स्वभाव आपके लिए व्यापार सबसे बेहतरीन तरीका होता है। और क्योंकि आपकी राइटिंग इत्यादि अच्छी होती है, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है, आप लोगों को जो राय देते हैं उससे लोगों को लाभ होता है। खैर वही राय आपके लिए नहीं अप्लाई कर पाते हैं और आप जीवन में संघर्ष करते रह जाते हैं ऐसा नजर आता है। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चर्चा करने का विषय नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मुझे इस कार्यक्रम में स्पेशली चर्चा करना है। तो आखिर मेरे कन्या राशि के जो जातक जातिका हैं उनके लिए किस प्रकार व्यतीत होगा ये माह, अगर हम बात करें अक्टूबर महीने को लेकर के। आपकी राशि में सूर्य गोचर करेंगे, शुक्र गोचर करेंगे, बुध गोचर करेंगे, बृहस्पति सेवंथ हाउस में गोचर करेंगे, शनि फिफ्थ हाउस के अंतर्गत, मंगल नाइन्थ हाउस में, राहु एट्थ हाउस में, केतु सेकंड हाउस में। आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि आप जिस प्रकार से वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे लगता है मैं कितनी ज्यादा जानकारी आपको दे दूं, जितनी आपको जानकारी दे पाऊं शायद उतना कम होगा। तो साहब इस महीने आपका कुछ काम बनने जा रहा है और बहुत जबरदस्त बनने जा रहा है, सबसे पहले उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। इस महीने मान सम्मान यश प्रतिष्ठा प्राप्त होने जा रही है, कुछ ऐसे वरिष्ठ लोगों से आपकी मुलाकात होने जा रही है जिनके साथ मिलकर के आप खुद को गर्वान्वित महसूस करते हैं। आपको लगता है कि यार इनसे मेरी मुलाकात हो गई, ये बड़े लोग थे, इनसे मेरी मुलाकात हो गई, इनसे हमने मिलने का सपना देखा था, ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होने जा रही है। इस महीने आपका प्रभाव बढ़ने जा रहा है, आपका मान सम्मान निश्चित रूप से बढ़ने जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, आपसे चिढ़ने वाले, आपसे जलने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। लोग चिढ़ करके और जल करके आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इवन अगर आप गृहिणी भी हैं, घर के कार्य करती हैं, तो भी आपके जो परिवार के ही लोग हैं वो आपसे जलन जरूर करेंगे। उनसे बहस करके अपने समय को प्लीज नष्ट मत कीजिए, अपने आप को काम में लगाइए ताकि आप अच्छी सफलता को प्राप्त कर पाएं। इनसे बहस किया तो सिर्फ आपका समय नष्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो इनसे बहस करके प्लीज अपना समय नष्ट मत कीजिए। नौकरी के लिए स्पेशली जिन लोगों ने सरकारी नौकरी के बहुत दिन पुराने पेपर दिए हुए थे, आपके अच्छे रिजल्ट आने हैं, आपको आपके फेवर में रिजल्ट मिलने वाला है, यानी बहुत पुरानी जो नौकरी के लिए आपने ट्राई किया था उसका पॉजिटिव रिजल्ट इस माह आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बड़ा सुंदर संयोग है आपके लिए। प्रोफेशनली इस महीने आप ग्रो करेंगे, उसके साथ पर्सनली ग्रो करेंगे, आपका मान सम्मान यश प्रतिष्ठा इत्यादि जो है वो इस महीने में निश्चित रूप से बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही ध्यान रख लीजिए 16 अक्टूबर के बाद जब मंगल जाकर के 10th हाउस में गोचर करने आएंगे, आपको आरोपित किया जाएगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपको कलंकित किया जाएगा। सावधान रहिएगा, बहुत सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। यहां पर आपको कलंक लगाने का प्रयास करेंगे, यहां पर आप पर आरोप लगाने का प्रयास करेंगे और उस आरोप उस कलंक के कारण आप परेशान होंगे। लेकिन जब भी ऐसा आपको नजर आए तो आपने क्या करना है, हनुमान जी की शरण में सीधे चले जाना है, 5 तुलसी का पत्ता लेकर के उनको श्रद्धा से अर्पण कर देना है, बस आपको सफलता प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी, आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा ये परिस्थिति आपकी अक्टूबर के बाद बनती हुई दिख रही है। सूर्य आपके नीचस्थ हो जाएंगे और वो चले जाएंगे आपके सेकंड हाउस के अंतर्गत, ये जाएंगे 17 तारीख को दाहिनी आंख के अंदर, प्रॉब्लम घर के अंदर दिक्कतें, इस प्रकार का संयोग नजर आ रहा है। क्या उपाय इस महीने आपने करना है, भगवान गणेश जी को बेल के 5 पत्ते लेने हैं, एक हरा फल लेना है और बुधवार को जाकर के श्रद्धा से अर्पण कर देना है। बस ये उपाय आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए बहुत होगी। परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे। शुभ रंग आपके लिए होगा स्लेटी, शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ दिशा आपके लिए होगी ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट। परमात्मा कृपा करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।